पढ़ाई में डाउट आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सलूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकेंड के अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछे आपके अनलिमिटेड सवाल कभी भी कहीं भी, चाहे आपका सवाल क्लास 6 to 12 IIT JEE NEET या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा सिर्फ डाउटनट ऐप पर। साथ ही डाउटनट पर चल रही है क्लास 9 to 12 IIT JEE NEET के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेके आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनट ऐप इंस्टॉल करें और अपनी सभी डाउट्स को दूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 14 लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज। सो लेक्चर 1 इज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी लेक्चर 2 इन विच वी विल बी कंप्लीटिंग द कंप्लीट चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वॉट इज बीन नोन एज अ पिन होल कैमरा। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं वो हम पहले स्टडी कर लेते हैं। दिस इज अ पिन होल कैमरा, पर इसको कैसे बनाना है दैट इज बीन गिवन ओवर हियर, यू ऑल कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म। तो ये कंसेप्ट पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो टेक एन एम्प्टी सिलिंड्रिकल बॉक्स, सिलेंडर शेप में होना चाहिए। ओके, रिमूव इट कैप एंड ऑन वन साइड एंड पेस्ट अ थिन वाइट पेपर इन इट्स प्लेस। तो जो कैप होती है उसको निकाल दो एंड इंस्टेड ऑफ दैट प्लेस अ थिन वाइट पेपर। ओके, पतला वाला पेपर, प्लेन पेपर। मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ द अदर कैप। ओके, जो अदर कैप होती है उसमें एक होल बना दो। लाइट अ कैंडल एंड होल्ड द बॉक्स इन सच अ वे दैट द फ्लेम ऑफ द कैंडल इज इन फ्रंट ऑफ द होल। ओके, सो जो होल रहेगा उसके सामने वो कैंडल दिखनी चाहिए। Now you will see an upside down or inverted image of the flame, the thin paper at the other end. तो एक होल से देखोगे, वो एक होल से दूसरे होल तक जब तक वो लाइट आ जाएगी, it will show the image inverted. Inverted मतलब मैंने पहले भी first lecture में explain किया what is inverted image. तो हमें वो उल्टी दिखाई देगी in this way. ओके, सो दिस इज योर थिन पेपर, ये यहाँ पे कैंडल है, यहाँ पे होल है जहां से कैप थी एंड ये यहाँ पे थिन पेपर है। सो यू विल बी एबल टू सी द इमेज इन्वर्टेड, उल्टा इमेज आ जाता है। आई विल श्योरली रिकमेंड यू ऑल टू मेक दिस एंड ट्राई इट योर सेल्फ, तो समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या बताना है। नाउ यूज योर ब्रेन पावर, व्हाई इज द इमेज ऑन द डायफ्राम ऑफ द पिन होल इन्वर्टेड। अब क्यों इसको इन्वर्टेड फॉर्म में होता है, डू लेट मी नो। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ओके, इट इज बिकॉज ऑफ द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द फ्लेम, कि हमें वो चीज उल्टी दिखने शुरू हो जाती है। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस ऑन लुकिंग थ्रू द विंडो इन द पिक्चर। तो अब यहाँ पे ये विंडो दिया हुआ है एंड वी हैव टू सी द डिफरेंस इन द विंडोज। व्हाट कॉजेज द डिफरेंस, द पिक्चर शोज ट्रांसपेरेंट ओपेक ट्रांसलेंट विंडो प्लेन स्पॉट देम। अब फेंट वाला विंडो कौन सा है जो आपको क्लियर इमेज नहीं दे रहा है, सो दिस इज इट। Isn't it? आपको क्लियर नहीं दिख रहा है, मेरे इसमें तो सेकंड वाला है जिसमें क्लियर नहीं दिखता है, फर्स्ट वाले में क्लियर है एंड थर्ड वाला तो बंद है तो इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, ट्रांसलेंट मतलब थोड़ा सा इट इज नॉट क्लियर, थोड़ा ब्लर है विंडो प्लेन स्पॉट देम, तो आई थिंक सेकेंड वन है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द विंडो प्लेन, मतलब जो कांच यूज की गई होती है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वी मे सी और वी मे नॉट सी द ऑब्जेक्ट ऑन द अदर साइड थ्रू इट। ओके, मतलब कुछ विंडोज होते हैं जिसके हम आर पार देख सकते हैं, कुछ विंडोज होते हैं जिसमें से अंदर से बाहर का सब दिखता है पर बाहर वालों का अंदर नहीं पॉसिबल होता है, विजन नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ द मिरर। फिर आइडेंटिफाई द ट्रांसपेरेंट ओपेक एंड ट्रांसलेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग पीस ऑफ अ ग्लास। अब इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वाला ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट और ओपेक है। तो पीस ऑफ अ ग्लास, ऑब्वियसली पीस ऑफ अ ग्लास इट इज ट्रांसपेरेंट, हम उसके आर पार देख सकते हैं। वैक्स पेपर हमें एक ब्लर इमेज देगा, सो इट इज अ ट्रांसलेंट। टिंटेड ग्लास, ऑयल पेपर, व्हाइट प्लास्टिक, अ टी केटल, अ नोटबुक क्लॉथ, वॉटर, अ वुडन कबर्ड, शीट ऑफ अ नोटबुक। अब इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है कि किस में से आप
देख सकते हो, थ्रू देख सकते हो, मतलब क्लॉथ के थ्रू देख सकते हो, नोटबुक के थ्रू देख सकते हो, व्हाइट पेपर के, प्लास्टिक पेपर के थ्रू देख सकते हो, इनमें से किस चीज के थ्रू आप देख सकते हो, दोज सब्सटेंसेस आर नोन एज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. ओके, जिसमें से आपको ब्लर इमेज दिखेगी, दोज विल बी ओपेक एंड ट्रांसलुएंट सब्सटेंसेस. आई बात समझ में? मतलब किसको हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे, किसको ओपेक एंड किसको ट्रांसलुएंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे. ओके, नाउ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगेन फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं. द मटेरियल थ्रू विच द लाइट पासिस इज सेट टू बी ट्रांसपेरेंट. मैंने जैसे बताया, जिसको हम आर पार देख सकते हैं, दोज आर नोन एज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस. ओके, एग्जाम्पल है पीस ऑफ ग्लास इसमें से, और वाटर भी, वाटर को भी हम देख सकते हैं उसके आर पार, कि अगर पानी के नीचे क्या है वो हम देख सकते हैं, इजंट इट. द मटेरियल थ्रू विच लाइट डज नॉट पास इज सेट टू बी ओपेक. जिसमें से लाइट बिल्कुल भी नहीं जा सकती है, जैसे ये विंडो में से हम देख नहीं पाते हैं, दोज आर ओपेक सब्सटेंस. द मटेरियल थ्रू विच लाइट पासिस पार्शली इज सेट टू बी ट्रांसलुएंट. पार्शली मतलब हम देख सकते हैं पर इतना अच्छा इमेज नहीं आता है, ब्लर इमेज आता है. दोज सब्सटेंसेज आर नोन एज, और दोज मटीरियल्स आर नोन एज ट्रांसलुएंट सब्सटेंसेज. गॉट इट चिल्ड्रेन? अब फॉर्मेशन ऑफ शेडो, सबसे मेन और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि शेडो कैसे फॉर्म होता है. सो टेक एन इलेक्ट्रिकल टॉर्च, फ्लैश इट्स लाइट ऑन अ वॉल, मेक योर फ्रेंड स्टैंड इन बिटवीन द टॉर्च एंड द वॉल, वॉट हैपन्स. सो सी, अगर किसी को आपने बीच में खड़ा कर दिया, उसके ऊपर टॉर्च जला दी, कैंडल भी ले सकते हो, अगर ले लिया कैंडल तो हमें क्या दिखता है, हमारा खुद का शेडो दिखता है, विच इज इन अ लार्जर साइज और अ स्मॉलर साइज. मतलब वो साइज डिपेंड होती है कि हम वो टॉर्च या कैंडल कितना पास और कितना दूर वो ऑब्जेक्ट से लेके जाते हैं, उसके ऊपर उसका शेडो का जो फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है. ओके, सो इफ एन ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द लाइट सोर्स, द लाइट डज नॉट पास थ्रू इट, एज अ रिजल्ट द लाइट डज नॉट रीच अ वॉल और एनी अदर सर्फेस ऑन द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट पार्ट रिमेन्स डार्क, दिस डार्क पार्ट इज कॉल्ड द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने अभी बताया कि हमने अगर टॉर्च जलाई हुई है तो शेडो क्यों पास हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, बिकॉज हमारे आर पार लाइट पास नहीं हो पा रही है, बट जो लाइट की इमेज है यहां से, ये हमारा शेडो फॉर्म करने का प्रोसीजर दिखाया हुआ है थ्रू द टॉर्च, कि ये जो लाइट है ये हमारा जो फॉर्मेशन है, हमारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या किसी चीज का जो स्ट्रक्चर है उसका शेडो फॉर्म करती है, बिकॉज की लाइट हमारे आर पार पास नहीं होती है, दैट इज वाई हमारा सिर्फ बॉडी का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, एंड दैट इज सपोज टू बी द डार्क पार्ट इज कॉल्ड द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरी वन की कैसे शेडो फॉर्म होता है. यू ऑल कैन ट्राई इट ऑन योर सेल्फ ऑल्सो, बहुत ईजी है. नेक्स्ट इज कंपेयर द ऑब्जेक्ट इन योर सराउंडिंग विच द शेडोज दे फॉर्म. ओके, मतलब कोई भी चीज लेके देखो, उसको एक्सपेरिमेंट करो, दूर लेके जाओ, पास लेके आओ, टॉर्च लो, फिर उसके एक्सपेरिमेंट करो कि वॉल पे उसका इमेज कैसे फॉर्म होता है. ऑल राइट, आस्क योर फ्रेंड टू स्टैंड एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम यू इन अ बिग रूम एंड ऑब्टेन द शेडो ऑफ योर फ्रेंड ऑन द वॉल विद द हेल्प ऑफ अ टॉर्च. नाउ कैरी आउट द फॉलोइंग एक्शंस. जैसे मैंने अभी बताया, यू ऑल हैव टू डू द ऑब्जर्वेशन ऑन योर ओन. मैं जितना भी बता लूँ वो समझ नहीं आएगा आपको जब तक ये एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखते हो. मे बी आपने किया भी होगा तो ये समझ में आ जाएगा आपको. ऑब्जर्व एंड मेक अ नोट ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द शेडो. सेंड द फ्रेंड क्लोजर टू द वॉल. अगर क्लोजर लेके जाते हो तो कौन सा टाइप का शेडो फॉर्म होएगा, बिगर, स्मॉलर, मोटा, पतला, कैसे फॉर्म होता है वो देखना है. आस्क द फ्रेंड टू कम टूवर्ड्स यू. मतलब थोड़ा आपको ये डिस्टेंस कम करना है, दोनों पास आ जाना है, देन यू विल सी द ऑब्जेक्ट एज बिगर. आई गेस सो. ओके, नेक्स्ट यू मूव द फर्दर अवे, यू मूव फर्दर अवे फ्रॉम हिम एंड टूवर्ड्स हिम अगेन. तो आगे पीछे जाके देखना है. टूवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम हिम मतलब उसके थोड़ा पास जाना है, वापस दूर आना है, पास जाना है, दूर आना है, तो यू विल बी एबल टू सी कि छोटा बड़ा शेडो होते जाता है. होल्ड द टॉर्च हाई एंड देन लो. ऊपर लेके जाओ ये टॉर्च, ये आपने स्ट्रेट पकड़ा हुआ है. सो होल्ड द टॉर्च अप, फिर उसके बाद थोड़ा नीचे लेके जाओ, एंड देन ऑब्जर्व की कैसे इमेज आती है. गो टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड देन टू द राइट ऑफ द टॉर्च. तो ये भी उन्होंने बताया हुआ है ओवर हियर कि अगर हमने पास लिया तो हमारा लंबा वाला ऐसे कोई फिगर फॉर्म हो जाएगा, अगर आपने टॉर्च ऊपर पकड़ी है तो हमारा शॉर्टर वाला इमेज आ जाएगा. इट विल नॉट बी ऑन द वॉल, इट विल बी ऑन द फ्लोर. ओके, सो ये सारे एक्सपेरिमेंट आपने करके देखने हैं. यू शुड ऑब्जर्व इट ऑन योर ओन. आपको जब समझ में आ जाएगा देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ द शेडो इज बीन रिफ्लेक्टेड.
द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द लाइट डज नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट. तो शेडो कब फॉर्म होता है, जब उसके कोई चीज के आर पार लाइट नहीं जाती है तभी शेडो फॉर्म होता है. द काइंड ऑफ शेडो इट फॉर्म्स डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द लाइट द सब्जेक्ट एंड द सर्फेस ऑफ द स्क्रीन ऑन विच द शेडो इज फॉर्म. द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ड्यू टू द लाइट इन अलॉन्ग द मॉर्निंग्स एंड इवनिंग एंड शॉर्टर इन द आफ्टरनून. वी कैन ईजिली note these changes if we observe the trees along the roadside. The change in the shadow depends on the source of the light, the object and on the surface on which the shadow is formed. So इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने example दिया है कि morning में जो trees tree के ऊपर light गिरती है तो observe करो कि वो light कहाँ पे गिरती है, फिर afternoon में वो जो light उस tree पे गिरती है तो उसका shadow कहाँ पे form होता है, evening में जब light वो tree पे आती है तो उसका shadow कहाँ पे form होता है. तो यू विल सी एवरी टाइम द शैडो इज चेंजिंग इट्स प्लेस. अब चेंजिंग इट्स प्लेस इज नॉट कि ट्री अपनी प्लेस नहीं चेंज कर रहा है, शैडो भी अपनी प्लेस चेंज कर रहा है, पर कैसे हो रहा है, ट्री तो जगह पे है शैडो कैसे चेंज हो रहा है. सो इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन. मतलब आपका सोर्स ऑफ लाइट अगर अपनी जगह बदलता है तो आपका जो शैडो है वो भी अपनी जगह साइज और जो उसका शेप है इट विल बी वेरी वेरी, मतलब बदलते रहेगा. Got it? I think it is clear. और उसका example उन्होंने यहाँ पे भी दिया हुआ है. So you all have to try it. वो जो tree का experiment है that also you all can observe it कि जैसे ही source of the light अपना shape अपना distance कम ज़्यादा करती है या अपना जो rays है उसको change करती है तो जो shadow form होता है वो भी change होते रहता है. Now on the next page they have given us a sundial. A sundial is an instrument that indicates the time and the help of extent and direction of the shadow of an object formed in the sunlight. Earlier time was measured by placing a stick parallel to the axis of the earth and by noticing the position of its shadow and dial at different time of the day. The largest sundial is at Jantar Mantar, New Delhi. अब यहाँ पे इसको dial. Dial मतलब क्या होता है? Clock में जैसे dial होता है वैसे ही dial. ये जो पुराने लोग होते हैं earlier times में जो लोग थे उन्होंने खुद ये बनाया हुआ था in order to चेक कि कितना टाइम हुआ है, 12 बजे है, 1 बजा है. सो बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द क्लॉक तो लोगों को पता चलता था थ्रू दिस डिवाइस. ओके, तो सबसे बड़ा जो सनडायल है इज एट जंतर मंतर. अब सनडायल क्यों बोला हुआ है, बिकॉज सी मॉर्निंग में सन ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सनसेट होता है. Isn't it? It sets in the sunset. तो जैसे ही वो ट्रैवल करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जैसे ही उसका ट्रैवलिंग शुरू होता है सन का तो द टाइम ऑफ द डे स्टार्ट्स. ऑल राइट, सो जैसे ही उसका मूवमेंट रहेगा उसका शेडो भी चेंज होते रहेगा. जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे ही जो सोर्स ऑफ लाइट है जो सन है उसका अगर डायरेक्शन चेंज होते रहेगा, उसकी प्लेस चेंज होते रहेगी, तो जो उसका शेडो है वो भी अलग से फॉर्म होना शुरू हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो वॉच है, हमारा जो क्लॉक है, हैंड वॉच है, वो सारे इंस्पायर्ड हुए हैं फ्रॉम द सन डायल. तो उसी से हम पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है. ओके, सो द रिसर्च वर्क प्रेजेंटेड बाय द इंडियन साइंटिस्ट सर सी वी रमन रिगार्डिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रोमन इफेक्ट. ही डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट ऑन 20th February 1928 टू कमोमरेट द इवेंट ऑफ 20th February इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे सिंस 1987 इन इंडिया. ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइंटिस्ट सी वी रमन हु इज नोन फॉर इन्वेंटिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब उसका जो उन्होंने ये सनडायल जो था उसके बारे में सबको बताया कि हाउ इट वर्क्स. ओके, तो उसका काम जो है वो कैसे होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब उसका डिस्टेंस कैसे चेंज होते रहता है, डिस्टेंस चेंज होता है तो उसका शेडो चेंज होता है एंड बिकॉज ऑफ इट द टाइम इज बीन मेजर्ड. ओके, तो ये उन्होंने इन्वेंट किया हुआ था एंड अबाउट हिम इट इज बीन गिवन इन दिस पैसेज. Now, a little fun. Use your hands and feet to. ये तो हमने सब ने किया हुआ है, isn't it? जब light चले जाती है कुछ करने को होता नहीं है तो we do all these musty thing. So we make different objects through our hands. So you will see hands and feet to make different shadow shapes of birds and animals etc. तो हम हमारे हाथ से different shapes बना सकते हैं, different movements से आपको पता चल सकता है. We can make the shapes of animal, birds and many other
formations you all can make through your hands and feet. Now let's try this. Again, one more experiment. Apparatus, a glass, water, a large white sheet of a paper has been required. ये सारी चीजें आपको लगेगी. Place a glass filled with water on a sheet of a paper in the window so that it receives direct light. What is seen on the paper? So आपको अगर ये experiment करना है, it should be done in front of a window. तो क्या करना है? Glass को पानी से भर के एक white sheet पे आपको observe करना है कि shadow कैसे form होता है. और shadow form होता है तो उसके साथ और क्या क्या formations दिखती है, that you all have to notice. See, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा rainbow दिखाई दे रहा है, then यहाँ पे एक bright light दिख रही है, whereas यहाँ पे सारा dark light दिख रहा है. So ये क्यों हो रहा है, that we will understand. What is seen on the paper? Can we do the same in the dark room? No. With the help of a prism and a torch? Yes, we can do it, isn't it? पर effect थोड़ा कम रहेगा, but same we can recreate by using a torch or a prism. What do we learn from this? Apparatus, soap, water, a small loop of wire. If you dip the wire loop in the soap water and then blow it, soap bubbles are formed. तो ये तो हमने सबने किए, soap bubbles तो हम सब बनाते हैं, isn't it? So bubble बनाने के बाद हमें देखता है कि beautiful colors of the rainbow are seen in this bubble. जो soap bubbles होते हैं जिसका हम लोग खेलने के लिए use कर लेते हैं and we keep on blowing it, तो वो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें rainbow form हुआ दिखता है. Beautiful colors of the rainbows are seen in the bubbles. What do you see on holding a CD in the sun? Obviously अगर CD भी हम sun में पकड़ते हैं तो जो यहाँ से जो उसकी lights आती है, तो जो लाइट्स यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है, दीज ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द कलर ऑफ द रेनबो. अब नेक्स्ट इज, इन द पास्ट द ब्रिटिश साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन मेड अ स्पेशल डिस्क, ऑन साइड ऑफ द डिस्क वॉज डिवाइडेड इक्वली इंटू सेवन पेटल्स ऑफ द सेवन कलर्स. दीज आर द कलर्स ऑफ द रेनबो. द डिस्क वॉज फिटेड ऑन द स्टैंड एंड रोटेट Dead fast. As the disc rotated, the seven color disappeared and only white was seen. So this also you all can try, children. ये experiment बहुत अच्छा दिखेगा. If you all are going to rotate it faster, तो ये सारे colors है ना mix होके सिर्फ white color दिखने वाला है. Okay, जैसे हमें पानी में से rainbow colors दिखने शुरू हो जाते हैं after the sun has been reflected, वैसे ही अगर सारे colors, seven colors have been mixed together and they are rotated fast. मिक्स्ड मतलब ये व्हील बनाना है एंड दे हैव टू बी रोटेटेड. उसको जोर जोर से घुमाना है, रोटेट करना है. यू विल सी कि एट द एंड ओनली व्हाइट कलर ही आपको दिखेगा और ये कोई भी कलर नहीं दिखने वाला है. दिस प्रूव्स दैट सनलाइट इज मेड अप ऑफ सेवन कलर्स. गॉट इट? मतलब अगर आपने पानी का एक्सपेरिमेंट किया तो पानी के एक्सपेरिमेंट से आपको रेनबो के कलर्स दिखते हैं. रेनबो के कलर्स यूज करके अगर आपने उसको रोटेट किया तो आपको व्हाइट कलर दिखता है. दिस इज व्हाई द डिस्क इज नोन एज न्यूटन्स डिस्क. Got it? Newton wrote a book called Optics about light. So this also you all can refer. Google पे जाके search कर लो. Now always remember, the shape of a shadow depends upon the source of the light, the object and the surface on which it is formed. We should not get frightened by the shadow we see at night because there is a simple science behind that. जो मतलब रात में हम लोग उठ के जो एकदम से हमें जो shadows दिखते हैं, अलग अलग शेडोज, ट्रीज के अलग शेडोज डेंजरस दिखने लगते हैं. थोड़ा सा मतलब रास्ते पे भी हम लोग चलते हैं तो कुछ अजीब से शेडोज हमें दिखना शुरू हो जाते हैं. सो इट इज नथिंग बट जस्ट एन इल्यूजन. वी शुड नॉट बी फ्राइटेंड बाय द ऑब्जेक्ट्स और द शेडोज. सो ओवर हियर द लेसन इज ओवर. आई विल बी शेयरिंग द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर सून. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.